मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं शिल्पा दास और फाइव पैसा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए देखते हैं कि आज मार्केट कैसा रहेगा और इसी के साथ देखते हैं फाइव मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी आउटलुक की। निफ्टी को अराउंड 17,800 का सपोर्ट मिल रहा है जबकि 18,150 विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। वहीं बैंक निफ्टी को अराउंड 38,900 का सपोर्ट मिल रहा है और 39,600 विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। तो आइए बात करते हैं फाइव मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे की। कैश डिलीवरी की बात करें तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं 7 से 10 दिनों के लिए। सबसे पहले है गोदरेज इंडस्ट्रीज, जहां पर फर्दर बाइंग एक्सपेक्टेड है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं 644 पर। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 627 पर, पहला टारगेट 663 और दूसरा 685 पर रख सकते हैं। फिर आता है गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, तो यहां पर साइडवेज मूव टू एंड है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं 2019 पर, स्टॉप लॉस 1965 पर, पहला टारगेट 2070 पर और दूसरा 2160 पर रख सकते हैं। इसके बाद प्रेस्टीज, प्रेस्टीज में पॉजिटिव मोमेंटम नजर आ रहा है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं 515 पर, स्टॉप लॉस 501 पर, पहला टारगेट 560 और दूसरा 546 पर रख सकते हैं। इसके बाद है एबीबी इंडिया, जहां पर पॉजिटिव चार्ट है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं 2185 पर, स्टॉप लॉस 2130, पहला टारगेट 2250 और दूसरा 2370 पर। इसके बाद इंडिया ग्लाइकोल्स, जहां पर स्ट्रांग वॉल्यूम नजर आ रहा है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं 1003 पर, स्टॉप लॉस 974, पहला टारगेट 1050 और दूसरा 1115 पर रख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कॉल्स जो हमने आपको रिकमेंड किए थे उनके परफॉर्मेंस की। तो प्रेस्टीज 11.4% ऊपर गया इन 4 डेज, टच बोथ टारगेट्स। वहीं ब्लू स्टार को 4% ऊपर गया, टच फर्स्ट टारगेट। डेल्टा कॉर्प 7.6% ऊपर गया इन 5 डेज, टच बोथ टारगेट्स। एबीपी 11.3% ऊपर गया इन 7 डेज, टच बोथ टारगेट्स। एंड डालमिया भारत 7.6% इन 7 डेज ऊपर गया, टच फर्स्ट टारगेट। तो आइए अब बात करते हैं स्टॉक की न्यूज़ की। इसमें है बैंक ऑफ बड़ौदा, इंद्रप्रस्थ गैस एंड जोमैटो। बैंक ऑफ बड़ौदा सेकेंड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 22 रिजल्ट्स अनाउंस करने वाली है। ईयर ऑन ईयर लोन ग्रोथ सबड्यूड एट 3%, नेट इंटरेस्ट मार्जिन स्टेबल रह सकता है एट 3%, स्लिपेजेस शुड डिक्लाइन सब्सिक्वेंटली, DHFL रिकवरी भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। टोटल इनकम एस्टिमेट किया जा रहा है एट 107.2 बिलियन, 4% ऊपर एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर। वहीं पैट एस्टिमेटेड एट ₹11.1 बिलियन, डाउन 34% ईयर ऑन ईयर। इंद्रप्रस्थ गैस की बात करें तो इस कंपनी ने ट्यूसडे को पोस्ट मार्केट सेकेंड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 22 रिजल्ट्स रिपोर्ट किए। रेवेन्यूज 40% ईयर ऑन ईयर बढ़ा टू ₹2,005 करोड़। वहीं पैट 30% बढ़ा एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर, एडेड बाय हायर सेल्स वॉल्यूम्स। जोमैटो की बात करें तो न्यूज़ रिपोर्ट्स के हिसाब से जोमैटो इज इन एडवांस स्टॉक्स टू इन्वेस्ट इन लॉजिस्टिक्स एग्रीगेटर शिपरॉकेट। जोमैटो शिपरॉकेट में अराउंड $75 मिलियन इन्वेस्ट कर सकती है। ये कंपनी आज सितंबर 2021 क्वार्टर रिजल्ट्स अनाउंस करेगी। आइए बात करते हैं FII और DII डेटा की। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने नेट ₹2,445.25 करोड़ के शेयर्स सेल किए। वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने नेट ₹1,417.63 करोड़ के शेयर्स परचेज किए। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। अगर आपके कोई भी सजेशन या सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, और स्टॉक रिलेटेड और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल फाइव पैसा के साथ बने रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल फाइव पैसा को सब्सक्राइब करें और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशंस। स्टे ट्यून्ड।